Introducing Edekumi's GS Main Support Program and Test Series with Structured Mentorship for 2023. This program is a valuable resource for students preparing for the Main's examination this year and those planning to appear the next year. Here's what you can expect 7 subject wise PYQ sessions, 18 full length tests, including 2 essay tests, model answers for all test papers, post test discussions, 8 practice tests with model answers and mentor evaluation, and structured mentorship. Get ready to excel in your Main's with this support program and test series you can enhance your knowledge and pave the way towards fulfilling your dreams don't miss out on this opportunity register now and seize the chance to become an expert in your mains preparation take charge of your aspirations and make them a reality now today we are going to solve some questions that are related to prelims and it will be based on polity so what you need to do is to first see the question see it very carefully try to attempt the question on your own

स्टेटमेंट इज द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज एन इंटीग्रल कॉम्पोनेट ऑफ द फंडामेंटल फ्रेमवर्क ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थर्ड इन अ प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट द एग्जीक्यूटिव इज अकाउंटेबल टू लेजिस्लेचर फॉर इट्स पॉलिसीज एंड एक्शन नाउ दिस इज अ अटी बेसिक क्वेश्चन दिस इज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन तो आपको इस क्वेश्चन को सही करना है लेकिन स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए नाउ सही आंसर क्या है इसका जल्दी से बताइए विच ऑफ दी अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट ओनली वन ओनली टू ऑल थ्री और नन तो इसका सही आंसर क्या है ओनली टू आपका स्टेटमेंट थ्री जो है दैट इज रॉन्ग नाउ स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट टू को आपको पता करने में इफ यू हैव स्टडीड अबाउट दी फॉर्म ऑफ गर्वमेंट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है क्या वो सेंट्रल और स्टेट लेवल दोनों पर है अगर आपने बेसिक्स पढ़ा है तो आप पहले दो स्टेटमेंट को इजिली सॉल्व कर सकते हैं ठीक है अब स्टेटमेंट थ्री आपको अगर पता है व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड अ प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट तो आप वहां पर बता सकते हैं कि ये स्टेटमेंट जो है गलत क्योंकि एग्जीक्यूटिव इज अकाउंटेबल टू लेजिस्लेचर इन अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसकी जिसको हम लोग बोलते हैं रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट अगर हम लोग यहां पर अब देखें देखिए आर्टिकल अगर आप बात करें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंक्लूड्स प्रोविजन फॉर अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोथ एट दी सेंट्रल एज वेल एज जैसे सेंट्रल लेवल पर बोले तो उससे रिलेटेड आर्टिकल है आर्टिकल सेवेंटी एंड सेवेंटी And में बात करें तो इसको किया गया एंड 163 सिक्स 164 में पार्लियामेंट्री सिम ऑफ गवर्मेंट इज कंसिडर्ड एज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग एनी चेंजेस टू इट्स सब्जेक्ट्स टू लीगल चैलेंजेस आपको पता है कि जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्मेंट है दिस इज पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ठीक है आपको पता है बेसिक स्ट्रक्चर जो है एक कंसेप्ट जो है जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया है इन द केशवानंद भारती केस जिसमें वैसे पार्ट्स को इंक्लूड किया जाता है जिसके बिना कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा अब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज अ बेसिक स्ट्रक्चर तो यहां पर आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है इसको हम लोग कभी भी चेंज नहीं कर सकते हैं ठीक है थीके? अब देखें देखिए प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो कि यूएसए में एग्जिस्ट करता है हमारे यहाँ क्या करता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और इसी का अल्टरनेटिव नेम है कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी देखिए कभी कभी क्या होता है

प्रेसिडेंट जो है वो अपने क्या आप बोल सकते हैं मिनिस्ट्रीज को और अपने मिनिस्टर को खुद चुनते हैं ठीक है वो जो है ऐसा नहीं है कि वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उसके बाद वो मिनिस्टर बनते हैं यही डिफरेंस है जो इंडिया में इंडिया में क्या है एवरी मिनिस्टर इज आल्सो अ पार्लियामेंटेरियन ठीक है और अगर वो नहीं है तो उसको जो है सिक्स मंथ्स में उसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाना है आइदर फ्रॉम दी लोकसभा और राज्यसभा तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है पार्लियामेंट्री को जो कि डिफ्रेंशिएट करता है फ्रॉम प्रेसिडेंट की यहां पर जो है जो आपके मिनिस्टर्स हैं दैट आर डायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल टू दी लेजिस्लेचर नाउ मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फर्स्ट स्टेटमेंट इज इमरजेंसी प्रोविजन इज इंस्पायर्ड बाई दर्मेंट ऑफ इंडिया एक्ट नाइन नाइन एंड द सेकंड स्टेटमेंट इज द प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन इमोजिंग प्रेसिडेंट्स रूल इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू तो आपको बताना है कि इसमें से कौन से स्टेटमेंट सही है वन ओनली टू ओनली बोथ वन एंड टू एंड नन ऑफ दी अब ठीक है तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा इसका सही आंसर है टू ओनली मतलब पहला जो है इमरजेंसी प्रोविजन इज इंस्पायर्ड बाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नाइनटीन ये बिल्कुल गलत है अगर आपने प्री इंडिपेंडेंस डिफरेंट जो इंपॉर्टेंट एक्ट है उसके बारे में पढ़ा है राइट right फ्रॉम अगर आप बोल सकते हैं कि अगर हम लोग काउंसिल एक्ट की बात करें तो उसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट है अगर आप बोलेंगे तो 1909 का फिर 1919 का एंड दैट अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 तो इमरजेंसी प्रोविजंस जो है जो हमारे आपके कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलता है दैट इज बेसिकली फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो कि ब्रिटिश रूल के समय लाया गया था ठीक है आपको पता है दिस फॉर्म्स जो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है एक तरह से आप बोल सकते हैं ये जो है एक तरह से बेस फॉर्म करता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत सारा प्रोविजन जैसे कि पब्लिक सर्विस कमीशन जुडिशरी सिस्टम फेडरल स्कीम ऑफिस ऑफ गवर्नर इस तरह की चीज जो है हम लोग डायरेक्टली जी एक्ट से लिए हैं आपको पता है वी हैव फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस ठीक है डिफरेंट प्रोविजन जो है वो डिफरेंट सोर्सेस से, कि से लिया गया है आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए क्योंकि यूपीएससी आपसे कोई भी चीज पूछ सकता है कि डीपीएसपी किससे लिया गया है फंडामेंटल राइट किससे लिया गया है तो ये आपको क्लियर होना चाहिए अब देखिए यहाँ पर कंफ्यूजन होता है जनरली की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से जो है इमरजेंसी प्रोविजन लिया गया है तो कहीं कहीं पर आप देखेंगे कि इसको जर्मनी से भी जर्मनी वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन से भी बोला है कि इस पार्ट को लिया गया है तो यहां पर क्या है जो आपके प्रोविजन हैं अंडर दी एमरजेंसी में जो हम लोग देखते हैं जैसे सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ठीक है सस्पेंशन कैसे करना है फंडामेंटल राइट right का तो इसको जो है दिस वॉज टेकन फ्रॉम दी जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन जिसको हम लोग बोलते हैं तो यहां पर आपके लिए क्लियर होना चाहिए कि जो एमरजेंसी प्रोविजन है वो इंस्पायर्ड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का लेकिन इसमें जो सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग एन ड्यूरिंग एन एमरजेंसी इसको वी हैव टेकन फ्रॉम दी जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन ठीक है

इस डिसीजन को जो है जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है यह बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको इसलिए रखा गया था क्योंकि इसके मिस को रोका जाए ठीक है इसके बाद जो है एस आर बमाई केस है आपको पता है जिसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट जो है आप बोल सकते हैं क्राइटेरिया ले किया है क्या कि है कि किस केस में आप प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं और किस में नहीं लगा सकते ठीक है।, है तो उसको जरूर आप पढ़िए क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस जो है आप यूपीएससी में एक्सपेक्ट कर सकते हैं

इसका सही आंसर है ओनली टू ठीक है चलिए अब लोग, इसको हम लोग जल्दी से देखते हैं फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट ऑफ नाइनटीन सेवेंटी सिक्स जिसको हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रोविजन में चेंज लाया गया था इसमें अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को भी बहुत सारे लिस्ट में मतलब लिस्ट में जो सब्जेक्ट है उसमें बहुत हेराफेरी की गई थी ठीक है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है अगर आप देखेंगे तो सर्टेन सब्जेक्ट्स जिसको स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट में ट्रांसफर किया गया था अब आपको बताना है कि व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन अ स्टेट लिस्ट एंड अ कंकरेंट लिस्ट ठीक है थोड़ा इसके बारे में आपको बेसिक्स पता होना चाहिए कि कंकरेंट लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स हैं उस पर दोनों लेजिस्लेट कर सकते हैं स्टेट एंड सेंटर ठीक है बाई डिफॉल्ट बाई डिफॉल्ट जो उसका एग्जीक्यूशन है दैट इज डन बाई द स्टेट बट इन केस जो है अगर आपको अगर अगर सेंटर जो है अगर वो लॉ बनाती है और उस लॉ में अगर वो लिख दे कि इसका एग्जीक्यूशन इट विल बी डन बाय बाई सेंटर तभी उसका एग्जीक्यूशन सेंटर करती है लेकिन ऐसे बाय डिफॉल्ट जो कंकरेंट लिस्ट के जो लॉज हैं दैट इज एग्जीक्यूटेड बाय द स्टेट लेकिन इट कैन बी लेजिस्लेटेड बाय बोथ द स्टेट एंड द सेंटर ठीक है अब यहां पर देखिए पहला सब्जेक्ट है तो एजुकेशन द सेकंड अमेंडमेंट एक्ट ट्रांसफर द सब्जेक्ट ऑफ एजुकेशन फ्रॉम द एक्सक्लूसिव जोरिजिक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट टू डिशियड ज्यूरिजन ऑफ बोथ सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्मेंट्स अब ये ऐसा क्यों किया गया देखिए एजुकेशन इज ऑब्वियसली रीजनल थिंग आपको पता है एजुकेशन किसी रीजन में जो है वहां पर क्या पढ़ाया जाता है किस लैंग्वेज में पढ़ाया जाता है ये वो स्टेट डिसाइड करता था लेकिन इसमें एक कंट्रीवाइज एक यूनिफॉर्मिटी भी होना चाहिए देखिये जनरली वैसे सब्जेक्ट जिसमें यूनिफॉर्मिटी का नीड होता है उसको हम लोग सेंट्रल लिस्ट में रखते हैं ठीक है तो अगर एजुकेशन को ऑब्वियसली स्टेट सब्जेक्ट था ये लेकिन इसको कंकरेंट लिस्ट में से डाला गया कि इसमें एक यूनिफॉर्मिटी और आप बोल सकते हैं एक स्टैंडर्ड सेट किया जाए ऑल ओवर इंडिया अब उसके लिए आपको आपको क्या करना पड़ेगा पड़ेगा तो ऐसे लिस्ट में उसको डालना पड़ेगा, जहां पर सेंटर भी लेजिस्लेट कर पाए तो इसी कारण इसको कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया गया था ठीक है दूसरा हम लोग देखें तो फॉरेस्ट द अमेंडमेंट ट्रांसफर द सब्जेक्ट ऑफ फॉरेस्ट टू दी कंकरेंट लिस्ट ठीक है उसके बाद देखें वेट्स एंड मेजर्स तो रेगुलेशन ऑफ वेट्स एंड मेजर्स वॉज शिफ्टेड फ्रॉम स्टेट लिस्ट टू दी करेंट लिस्ट अगेन इसमें भी यूनिफॉर्मिटी का जरूरत था आपको एक आप एक आप मान सकते हैं रूल रख सकते हैं आप अगर आपको सब्जेक्ट्स में होता है ना कि कभी कभी आपको कंफ्यूजन होता है कि क्या ये स्टेट लिस्ट में होगा क्या ये कंकरेंट लिस्ट में होगा या ये सेंट्रल लिस्ट में होगा तो आप इस तरह से सोचिए कि वैसे टॉपिक्स जिसमें यूनिफॉर्मिटी ऑफ लेजिस्लेशन चाहिए मतलब एक जैसा लॉ पूरे कंट्री में होना चाहिए वो जनरली आपका सेंट्रल लिस्ट में होगा और सम केसेस कंकरेंट लिस्ट में देखने को मिलेगा ठीक है लेकिन कुछ ऐसे मैटर्स होते हैं जिसमें स्टेट अपने तरीके से जो है वो लॉ बनाना चाहता है और आप मान के चलते हैं कि वो 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 सब्जेक्ट पे स्टेट जो है वो अच्छे से गवर्नेंस कर सकता है तो वैसे सब्जेक्ट्स को आप जनरली स्टेट लिस्ट में पाएंगे ठीक है इसके बाद है प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स ये भी जो है रेस्पॉसिबिलिटी फ्रॉम फॉर प्रोटेक्टिंग वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट टू बोथ सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट आपको पता है इसके बाद बहुत सारे इन्वॉर्मेंटल एक्ट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फ्रेम किया मतलब पार्लियामेंट uh, ने फ्रेम किया तो आपको पता चल रहा है कि ये जो है आफ्टर फोर्टी अमेंडमेंट एक्ट ऑफ किया गया ठीक है एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस कॉन्स्टिट्यूशन एंड एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल एक्सेप्ट द सुप्रीम कोर्ट कोर्ट हाई यहां पर क्या था कि जो आपको पता है ऑर्गेनाइज जो हमारे यहाँ का ऑर्गेनाइजेशन होता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट होता है उनका ऑर्गेनाइजेशन उनका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए ठीक है ये दिस इज डिसाइडेड बाई देंटर लेकिन जो हमारे यहाँ कोर्ट्स कोर्ट होते थे उनमें जो है स्टेट का ही स्टेट जो है वो लॉज बना सकती होती उसके लिए लेकिन आफ्टर दर्टी सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट ऑफ नाइनटीन इसको जो है आपको बोल सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल कोर्ट्स, ऑल कोर्ट्स की बात हो रही है एक्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट

सच माइनॉरिटीजी तो से बताइए क्या होगा इसका सही आंसर है वन ओनली ना दोविजन इज एप्सोल्यूटी रॉन्ग इस तरह का कोई भी प्रोविजन नहीं दिया हुआ है जिसमें प्रेसिडेंट जो है वो डायरेक्ट कर सकते हैं गवर्नमेंट को टू प्रोवाइड कंपल्सरी फाइनेंशियल ग्रांट देखिए इस तरह के वर्ड्स को आप ध्यान से पढ़िए और अगर आपने बेसिक्स पढ़ा है आपने जो है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के बारे में पढ़ा है उसके बारे में डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन के बारे में पढ़ा है तो आप इस स्टेटमेंट को डायरेक्टली रूल आउट कर सकते हैं कि यह बिल्कुल गलत है कहीं पर भी कंपल्सरी फाइनेंशियल ग्रांट्स की बात नहीं हुई है और रिजर्वेशन इन पब्लिक जॉब्स टू सच माइनॉरिटीज इस तरह का भी बात नहीं हुआ है ठीक है आपको पता है हमारे यहाँ जो रिजर्वेशन ऑफ जॉब्स होता है दैट इज बेस्ड ऑन बैकवर्डनेस और वो कौन सा है आपका सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्डनेस नाउ यहां पर हम लोग देख लेते हैं इन रिलेशन टू लिंग्विस्टिक इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज इन द स्टेट्स इसको अगर आप समझने का कोशिश करेंगे तो अगर इफ अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ स्टेट पॉपुलेशन एक्सप्रेस अ डिजायर फॉर ऑफिशियल रिकॉग्निशन ऑफ अ लैंग्वेज स्पोकन बाय देम तो प्रेसिडेंट जो है अपॉन बीइंग सैटिस्फाइड मे इश्यू डायरेक्टिव फॉर सर रिकॉग्निशन इन दैट स्टेट ठीक है अगर ये पता चलता है कि किसी भी स्टेट में सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन जो है वो एक, वो जो है किसी ऑफिशियल रिकॉग्स किसी एक लैंग्वेज को वो बोलते हैं और उसको ऑफिशियल रिकॉग्निशन के लिए जो है वो रिक्वेस्ट करते हैं उसका डिजायर करते हैं तो प्रेसिडेंट अगर इस चीज पे सेटिस्फाई हो जाते हैं ऑब्वियसली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेटिस्फाई हो जाती है तो वो इशू कर सकते हैं डायरेक्टिव फॉर सच रिकॉग्निशन इन दैट स्टेट तो यहां पर आपका फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है The provision empowering the president to direct the official recognition of a minority language in a state. तो ये बिल्कुल सही था लेकिन the second जो है ऐसा constitution कोई भी ऐसा provision नहीं बताता है जिसमें आपको linguistic minorities को reservation मिले in jobs. ठीक है Now moving on to the next question, which of the following constitutional provisions require the consent of states for amendment? बहुत important है बहुत ध्यान से पढ़िएगा यहां पर आपको कुछ दिया हुआ है नीचे आपके ऑप्शन दिए हुए आपको बताना है कि इसमें से कौन कौन से हैं जो कि रिक्वायर होता है जिसमें कंसेंट ऑफ स्टेट फॉर अमेंडमेंट अगर हमें अमेंडमेंट करना हो तो उसमें स्टेट का भी कंसेंट चाहिए होगा नाउ द फर्स्ट इज इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड द प्रोसीजर फॉर इट सेकेंड पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट थर्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट इन पार्लियामेंट तो जल्दी से बताइए इसमें तीन ये जो तीन दिए हुए हैं आपको इसमें से किसमें किसमें कंसेंट ऑफ स्टेट जरूरी है अगर हमें अमेंडमेंट करना है तो इसका सही ऑप्शन है ऑल थ्री ये तीनों जो है फेडरल प्रोविजंस को किसी तरह से रिलेटेड है इसी कारण अगर इसमें अमेंडमेंट करना है तो यू हैव टू टेक द कंसेंट ऑफ 50% परसेंट ऑफ स्टेट ठीक है अब जल्दी से हम लोग थोड़ा सा अबाउट अमेंडमेंट जो है डिस्कस कर लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आपको पता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ठीक है

उसको हम लोग डायरेक्टली जो है यहां पर आपको सिंपल मेजोरिटी से अमेंडमेंट कर सकते हैं लेकिन इसके अलावा आपको पता है अंडर दी दर्व्यू ऑफ आर्टिकल 368 आर्टिकल 368 जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जिस जो कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से रिलेटेड है इसके विद इन जो है कुछ प्रोविजन दिए हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के इसमें दो तरीका दिया रहता है वन इज स्पेशल मेजोरिटी एंड द सेकेंड इज स्पेशल मेजोरिटी प्लस कंसेंट ऑफ फिफ्टी ऑफ स्टेट्स ठीक है तो ऐसे जो है जनरली आपको क्या होता है देखिए यहां पर क्या होता है देखिए कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि अगेन आप बोलेंगे इंपॉर्टेंट है और आप बोल सकते हैं जिसमें जनरली आपको यूनिफॉर्मिटी का ही कंसेप्ट है वो लगता है पूरे कंट्री में तो उस केस में अगर उसको अमेंडमेंट करना है तो दैट इज डन कैन कैन बी इजली डन बाय सिंपल मेजोरिटी लेकिन कुछ ऐसे प्रोविजंस होते हैं जो कि आपके सेंटर स्टेट रिलेशन को जो है आप बोल सकते हैं अफेक्ट करते हैं या फिर फेडरल प्रोविजंस को अफेक्ट करते हैं ठीक है तो इस तरह की चीजों को क्या करना पड़ता है अगर आपको अमेंडमेंट करना है तो यू हैव टू टेक द कंसेंट ऑफ स्टेट्स ऑल्सो ठीक है अब जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग हम लोग देखें तो जो सिर्फ सिंपल मेजोरिटी से जो हो सकता है विदाउट टेकिंग द कंसेंट ऑफ स्टेट्स ऐसे क्या है फंडामेंटल राइट डीपीएसपी ठीक है आप इस तरह की चीजों में अगर अमेंडमेंट करना चाहते हैं तो आपको अंडर आर्टिकल थ्री ही करना पड़ेगा पर आप जो है क्या कर सकते हैं दैट यू कैन डे बाई स्पेशल मेजोरिटी ठीक है majority, लेकिन सम प्रोविजन हैं जिसमें हमने बोला जो कि बेसिकली जिसमें फेडरल नेचर का होता है, जैसे है वो भी करते हैं और स्टेट लेजिस्लेचर के जो इलेक्टेड एमएलए हैं वो भी करते हैं तो अगर इसमें कुछ चेंज लाना है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट में तो यू हैव टू डू दी अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट प्लस कंसेंट ऑफ स्टेट्स ठीक है यहां पर स्टेट का भी कंसेंट लेना पड़ेगा तभी जाके वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट बनेगा ठीक है इसके अलावा कुछ और प्रोविजंस क्या है एक्सटेंट ऑफ एक्सिक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन स्टेट्स ऑब्वियसली क्योंकि दिस आल्सो अफेक्ट्स दी फेडरल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट डेफिनेटली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन स्टेट्स एंड यूनियन आप देख के बता सकते हैं कि ये सारे जो टॉपिक्स हैं इसमें स्टेट्स का भी बहुत ज्यादा से है अब अगर ऐसा होता कि ये जो है सिर्फ और सिर्फ अगर सेंटर अमेंड कर सकता था विद स्पेशल मेजोरिटी तो आप समझ रहे हैं कि फिर ये जो है हमारे फेडरल स्ट्रक्चर को काफी अफेक्ट करता ठीक है एनी ऑफ द लिस्ट इन द सेवन शेड्यूल आपको पता है शेड्यूल में वी हैव कंकरेंट लिस्ट अब इसमें कौन सा सब्जेक्ट किस लिस्ट में होगा इसमें अगर हमें अमेंडमेंट करना है तो दिस यू हैव टू डू अंडर आर्टिकल थ्री सिक्सटी विथ स्पेशल मेजोरिटी प्लस कंसेंट ऑफ स्टेट्स एंड द लास्ट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन द पार्लियामेंट अब किस स्टेट को कितना सीट मिलने वाला है किस पार्लियामेंट uh, में तो ये भी है दिस कैन बी डन बाय आर्टिकल 368 एंड विद द कंसेंट ऑफ स्टेट ठीक है तो यहां पर हमने कुछ देखा क्वेश्चंस जो कि बहुत बेसिक नेचर के भी थे और कंसेप्चुअल थे इसी तरह के क्वेश्चन आपको टिल प्रिलिम्स प्रैक्टिस करके चलना है अभी ऑब्वियसली वी आर मोर फोकसिंग ऑन मेन्स राइट नाउ बट प्रिलिम्स को भी आपको अवॉइड नहीं करना है धीरे धीरे क्वेश्चन सॉल्व करिए कुछ क्वालिटी क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए ताकि आप ट्रैक पे रहें कि आप सही डायरेक्शन में प्रोसीड कर रहे हैं अगर आप आप इसमें से कोई भी क्वेश्चन गलत करते हैं तो प्लीज डू रीड दैट चैप्टर आप लक्ष्मीकांत कोल के उस को फिर से पढ़ सकते हैं आप जिस भी सोर्स से पढ़ रहे हैं आप उस चैप्टर को फिर से पढ़िए और आप आप फिर जो आप कि आपने ये क्वेश्चन गलत क्यों किया आपके कंसेप्ट में कहा लूप होल थे उसको फाइंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है तभी जाके आप जब यूपीएससी में इस तरह के क्वेश्चन को आप देखेंगे तो आप इजिली सॉल्व कर पाएंगे ठीक है पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है अगर जिसमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा है If यू इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम इन बिल्डिंग योर कंसेप्ट आपको एग्जाम में भी अच्छा स्कोर मिलेगा क्योंकि अराउंड टेन क्वेश्चन आर आज फ्रॉम पॉलिटी एंड अगर आपका कंसेप्ट अच्छा है तो यू कैन मेक सेवन टू एट क्वेश्चन करेक्ट ठीक है और ये बहुत ही अच्छा रेट है और ये आपको वो है प्रिलिम्स में बहुत डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है तो पॉलिटी पर थोड़ा सा फोकस करिए कंसेप्चुअल क्लैरिटी पर वर्क करिए कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर है जैसे कि प्रेसिडेंट फंडामेंटल राइट्स ठीक है पार्लियामेंट डीपीएसपी इस तरह के चैप्टर्स पे ज्यादा फोकस करिए क्योंकि यूपीएससी का भी फोकस यहाँ पर ज्यादा रहता है और इस तरह के क्वेश्चंस सॉल्व करते रहिए ठीक है थीके? तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में तब तक थैंक यू